अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ भिंडी फ्राई भिंडी भुजिया मैं आप लोग से शेयर करूंगी। मैंने इधर भिंडी छोटा छोटा काट करके ले लिया है और इधर प्याज लिया है। इधर कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है और मैं जीरा फोरन देके बनाऊंगी। प्याज लाल होने पर फ्राई करके ऐड करेंगे। देखिए इसमें प्याज ब्राउन होकर फ्राई हो गया है। अभी मैं इसे में भिंडी ऐड कर दूँगी। मैंने भिंडी भी ऐड कर दिया है। इसको अभी मैं थोड़ा सा इसमें भिंडी में नमक डाल दूँगी। नमक डाल दिया मैंने। अभी अच्छा से मैं इसको चम्मच से हिलाते रहूँगी। तो इसको ढक के बनाना नहीं, इसको ऐसे खुला रख के फ्राई करना है। ढक के ही आने से ज़्यादा स्लिप हो जाएगा, पिछला हो जाएगा। तो इसको ही खुला छोड़ के इसको ऐसे फ्राई करते रहना है। ऐसे ही फ्राई करते रहना है इसको खुला छोड़ के। तो ऐसा स्लिप भिंडी का पानी थोड़ा सा छोड़ रहा है, इसके लिए टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। फ्राई करते करते ये सूख जाएगा। तो ये ऐसे फ्राई करते करते सूखने के बाद देखिए इधर भिंडी फ्राई होकर तैयार हो गया है। इतना अच्छा तरीक़ा से इधर फ्राई हो रहा है। तो इसी में मैं थोड़ा सा अभी मसाला ऐड करूँगी। हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाल दिया हूँ मैंने, जीरा पाउडर थोड़ा सा डाल दिया हूँ और इसी को अच्छा से मिलाएंगे। आप लोग को मेरा भिंडी फ्राई रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, आने वाला वीडियो आप लोग को मिले। देखिए इधर अच्छा से फ्राई हो गया है और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लो फ्लेम में रख के मैंने लास्ट में अभी धनिया पत्ता डाल दे रहा हूँ। देखिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़।